नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 250 में से कम 46 बस डिपो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार पर घटना के जिम्मेदारी लेने के बजाय दोषारोपण का खेल खेलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने जालना में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और आग्रह किया कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वालों को मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक रूप धारण करने विपक्ष के हमले के बीच प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। अपने राजनीतिक साख बचाने के नजरिए से पंकजा मुंडे ने अपनी शिव शक्ति परिक्रमा यात्रा शुरू की है। इसके जरिए वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। हालांकि पंकजा मुंडे ने साफ कर दिया है कि उनकी यात्रा पार्टी से अलग है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार पारियों के दम पर भारत ने सोमवार को पलक्कल स्टेडियम में खेले गए मैच में नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने एशिया कप 2023 के सुपर फोर में जगह बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि वे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। शाहरुख खान की जवान रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों में खूब एक्साइटमेंट है और रिलीज का उनसे इंतजार अब नहीं हो पा रहा है। अब लोन लेने के लिए आपको बैंक जाने या फिर नेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। आपके अपने UPI से ही आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए RBI ने बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।